देखते हैं कि पानी से हम मैग्नेटो बोतल से निकलने वाला पानी पीने से हमारा एजिंग जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ये पानी एंटी एजिंग, एंटी कैंसर और एंटी ओबेसिटी है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी नींद जो है उसको गहरी बनाता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है और हमारे हार्ट, लीवर और किडनी के ऊपर एसिडिक तत्वों के द्वारा जो बर्डन दिया जाता है उसको कम कर देता है या निकाल देता है। इसकी वजह से हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होती है, हमारा ब्रेन का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है, शार्पनेस बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बिल्ड होती है। जिससे 2-5 साल गुजर जाएंगे लेकिन मैं तो बीमार हुआ ही हूं, नहीं हूं, ना मुझे बुखार आया है, ना मुझे हेडेक हुआ है, ऐसा आप बोल पाओगे जबकि आप ये रेगुलरली ये पानी पियोगे। तो हमने फिर से आपको याद दिला, तो हमने 3 चीजें देखी कि डेड वाटर जो है वो मैक्रो क्रस्टेड है, जबकि पानीसिया का जो पानी है वो माइक्रो क्रस्टेड है। डेड वाटर है वो एसिडिक है, जबकि पानी से पानी निकलने वाला पानी है वो अल्कलाइन है। डेड वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग वाटर है, जबकि पानी से निकलने वाला पानी है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। ये 3 प्रॉपर्टीज के साथ अभी हम देखते हैं 4थी प्रॉपर्टीज। जो पानी नॉर्मली हम पीते हैं उसमें मिनरल्स कम हो जाते हैं, जबकि ये पानी से निकलने वाला पानी है, मैग्नेटो वाटर पानी है, उसमें मिनरल्स एड हो जाते हैं। आप हम इसका मिनरल्स का टेस्टिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन जो इनपुट पानी है आरओ से मशीन के अंदर जाने वाला पानी है वो 150 टीडीएस का है। तो मशीन से निकलने वाले पानी का टीडीएस अगर हम मेजर करेंगे तो वो 175 to 180 का हो जाएगा। मतलब उसके अंदर आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम इतने हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, यूजफुल है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये सारे मिनरल्स एड होंगे, जिससे कि हमारे शरीर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो ये चौथा डिफेक्ट हमारे पानी में नहीं है। तो यहां पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि पानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन से निकला ये जो अमृत तुल्य पानी है वो माइक्रो क्रिस्टल है, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, ये अल्कलाइन भी है और उसमें मिनरल्स एड हो जाते हैं और इसकी वजह से यह पानी लाइव वाटर बन जाता है। जो लाइव वाटर बन जाता है उसके अलावा उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर बात है जो मैं आपको बताऊंगा। इस पानी से पानी के अंदर एक ऐसा एक्सक्लूसिव बेनिफिट है जो कि दुनिया का कोई भी पानी का मशीन नहीं दे पाता है। ये मार्केट के अंदर बहुत सारे मशीन हैं, कई मशीन तो 3-3 लाख के, 3.5 लाख के मिलते हैं और कई मशीन 60-70 हजार के, कई मशीन 1-1.5 लाख के मिलते हैं। हालांकि हमारे मशीन की कंपैरिजन में उन सारे मशीनों की प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हमारे मशीन के अंदर पानेसिया मैग्नेटो मशीन के अंदर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो दुनिया के किसी भी मशीन के अंदर नहीं है और यहाँ पे काम किया है हमारे सर के ज्ञान ने, जिन्होंने इतने सालों तक मैग्नेट की ताकत को जाना, पहचाना, परखा और ये अपने मशीन के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया। ये जो मशीन है वो फिजिकल बॉडी के लिए ही नहीं है लेकिन ये साइकिक बॉडी के लिए भी काम करता है। मतलब इसमें से जो निकलता पानी है वो सेल्यूलर लेवल पे हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए ही
फायदेमंद है उतना नहीं है, लेकिन हमारा एक साइकिक बॉडी है, हमारा विचार का हमारा बॉडी है, हमारा एस्ट्रल बॉडी है, हमारा इमोशन का बॉडी है, हमारा थिंकिंग का एक बॉडी है, और ये बॉडी के लिए भी ये मशीन काम करता है। कैसे? इस पानी के मशीन में पावर न्यूओडीमियम मैग्नेट के साथ क्वार्ट्ज, क्रिस्टल्स, जेम्स और मिनरल्स, एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स के अंदर अरेंज किए गए हैं। ये 11 तरह के, 11 अभी तो 12 तरह के हो गए हैं, 12 तरह के क्वार्ट्स, क्रिस्टल, जेम्स और मिनरल्स और मैग्नेट को ये पूरा जो आप लंबा और वर्टिकल मशीन देखते हैं उसके अंदर अरेंज किया गया है, ताकि जब पानी आरओ के मशीन से निकलता है वो पानी धीरे 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 करके नीचे उतरता है, और नीचे उतरता है तब ये नियोडिमियम मैग्नेट और ये क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, जेम्स और मिनरल से गुजरता है। जब ये गुजरता है तो इसके अंदर ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताई, माइक्रो क्लस्टरिंग, अल्कलाइनिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स का एडिशन होना, ये चार क्वालिटीज तो ऐड होती ही है, लेकिन साथ में ये सारी चीजों का वाइब्रेशनल हीलिंग एनर्जी जो है वो सारी भी पानी के अंदर ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से ये पूरा पानी हीलिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जब ये पानी पिया जाता है तब क्या होता है कि हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो तो मशीन के अंदर की पानी के अंदर की अल्कलाइनिटी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, मिनरल्स है, इन सारी चीजों को अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हमारा साइकिक बॉडी जो है जो कि नाड़ियों तथा चक्रों से बना हुआ है, तो नाड़ियां तथा चक्र जो है तो पानी के अंदर का जो वाइब्रेशनल हीलिंग एनर्जी है उसको अवशोषित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा मानस जो है वो शांत और मजबूत बनता है। तो जब मानस शांत और मजबूत बनता है तो जीवन के अंदर शांति और संतुलन, ये दो चीजों का अंदर आना होता है, स्वास्थ्य और वैभव का एहसास होता है। और जब ऐसी गुणवत्ता वाला सुधार अगर हमारे जीवन में आता है तो हम मेडिटेशन कर पाते हैं और हम स्पिरिचुअलिटी हमारे जो है उसको भी हम बना पाते हैं। हम जानते हैं कि केवल स्वस्थ जीवन ही हमें इस बात की अनुमति देता है, परमिशन देता है कि हम हमारे पास जो धन है, वैभव है, प्रॉपर्टी है, सफलता है, उन सबका उपभोग कर पाए। उतना ही नहीं, आने वाले समय में हमारे पास और भी धन आने वाला है, और भी वैभव आने वाला है, और भी संपत्ति आने वाली है, उन सारी चीजों को का भी हम आनंद ले पाए। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पानेसिया मैग्नेटो वाटर मशीन जो है वो हमारे घर के अंदर बसाना है और पूरे परिवार के जीवन को स्वस्थ बनाना है। ये जो हमारे सर ने हमें गिफ्ट दिया है, ये जीवन का सबसे बहुमूल्य गिफ्ट है। मैग्नेटिक प्रोडक्ट से, मैट्रेसेस से या बेल्ट से हमने हमारे जीवन में जितनी भी एनर्जी लाई है, हमारे जीवन के कई रोगों को हमने अलविदा कहा है, उसी तरह से ये पानी पीने से सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर ये पानी हम रेगुलरली पीते हैं, ये पानी हम इसका रसोई बनाते हैं। और खास बात तो ये है कि मार्केट में जो मशीन मिलते हैं, 2.5 लाख 3 लाख के मशीन मिलते हैं, उसके पानी के अंदर भी ये अल्कलाइनिटी है, माइक्रो क्लस्टर्डनेस है, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट वगैरह है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि
वो मशीन आयोनाइजेशन के ऊपर चलता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो H2O मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सेग्रीगेशन होता है और हाइड्रोजिनेटेड वाटर होता है तो अल्कलाइन बनता है या एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ बनता है। लेकिन ये पानी जो है हवा के संपर्क में आता है या मेटल के बॉडी में अगर रखा जाता है तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अक्सर ऐसा पानी हमें प्लास्टिक की बोतल में या ग्लास की बोतल में ही भरना पड़ता है और उसको ठंडा रखने के लिए हमें फ्रीज में रखना पड़ता है। जबकि मैग्नेटो मशीन से निकला हुआ जो पानी है तो नेचुरली ये सारी क्वालिटीज को पकड़ता है। इसलिए आप ऐसे पानी को मटके में भी रख सकते हो। तो ये जो मशीन है जिसमें से पानी निकलता है उसके नीचे मटका रख दिया, धीरे धीरे वो मटका बढ़ जाता है, आपने मशीन बंद कर दिया। मटके में नेचुरल कोर्स में वो पानी ठंडा होता है, उसकी अल्कलिनिटी भी कम नहीं होती है, उसका ORP भी कम नहीं होता है। हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो 7-7 दिन तक उसकी अल्कलिनिटी सेम रहती है। तो हमें फ्रीज में पानी रखने की जरूरत नहीं है, मटके का पानी भी हम पी सकते हैं, उसी पानी से हम रसोई भी कर सकते हैं। और वो सारे मशीन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जबकि ये मशीन के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बस एक पानी का TDS जो है वो 150 150 100 to 150 अगर रखा जाता है तो सही मायने में हमें सही तरह का पानी मिलता है और ये पानी रेगुलरली पीने से हम स्वस्थ बनेंगे। अगर घर के अंदर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को पीने का पानी 2.5 से 3 लीटर का पानी अगर हम पीते हैं तो 5 लोगों का 15 लीटर, रसोई वगैरह बनाने के लिए 2 2 5 लीटर और गिना तो 20 लीटर का अगर डेली कंजम्पशन है तो 20,000 लीटर तक ये पानी चलता है, तो 1,000 दिन तक ये पानी चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो घर में जो आता है उसको भी पानी पिलाते हैं, 20 से 30 लीटर का भी पानी का कंजम्पशन है, तो 1 साल तक ये पानी, ये मशीन जो है हमें बढ़िया तरीके से पानी देता है। 1 साल के बाद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये मशीन जो है वो पूरा आपको बदल दिया जाता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये मैग्नेटो पानेसिया मैग्नेटो वॉटर मशीन हमारे लिए एक हेल्थ संपूर्ण स्वास्थ्य का एक सॉल्यूशन है और जितनी जल्दी हम इसको अपनाते हैं उतनी जल्दी हम हमारे अपने आप को ही नहीं लेकिन परिवार के सारे लोगों को हम हेल्थ के दायरे में लेके आएंगे। और हम सब तो डायरेक्ट सेलर है और हमारा भी मिशन है कि लोग हेल्दी रहे, लोगों का हेल्थ का इंडेक्स जो है वो आगे बढ़े। तो सिर्फ हम ही उसको यूज नहीं करेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका डेमो दिखा के, इसका टेस्टिंग करवा के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मशीन पहुंचे ऐसी कोशिश करेंगे ताकि पूरा भारत हेल्दी हो जाए और हमारे प्यारे सर जो हैं सागर सर उसका सपना भी हम पूरा कर पाए।